नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी बहनों माताओं? आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज आप मेरी स्क्रीन पर बैक कैमरे से मैं आपको एक स्क्रीन चला करके दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर एक लेडीज के साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख होता है। हमारे देश में डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, मेरे पास भी एक छोटी सी बेटी है। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो डर लगता है कि जब डॉक्टर्स हमारे देश में सेफ नहीं है तो क्या होगा, आगे चल करके क्या होगा, इन चीज़ों का हम क्या फैसला लें, हम क्या सोचें, हम किस तरीके से अपने बच्चों को परवरिश दें, कैसे पढ़ाएं, कैसे मतलब उनको आगे बढ़ाएं, समझ में नहीं आता। कई बार दिमाग बहुत डर जाता है, कई बार दिल डर जाता है, दिमाग भी डर जाता है ये सोच के कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन दुनिया में इस तरीके के लोग भी हैं। देखो हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे न्यूज़ पे, सब जगह ये चल रहा है कि क्या हमें डॉक्टर मोमिता के हत्यारों को फांसी देनी चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, उनको फांसी देना चाहिए? क्या फांसी एक छोटी सी सज़ा नहीं होगी? पर चलो, उन्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो फांसी की हो, चाहे वो सड़क बीच सड़क में काटने की हो, या कोई भी हो। मैं इस वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू इस टॉपिक पे नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मकसद, मेरा एक छोटे लेकिन फिर भी इस तरीके का जो ये जो भी हुआ, मेरा कहना सिर्फ यही है कि इस तरीके से हमारे देश में चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत गलत हो रही हैं। हमारा हिंदुस्तान जैसा देश, जहाँ पर आज़ादी मनाई जाती है, जहाँ पर रक्षाबंधन जैसा त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पर भाई बहनों को पूजा जाता है, पवित्र रिश्ता होता है, इस तरीके की वाहियात वाक्य हमारे देश में हो रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। लेकिन ये आप लोगों ने मेरी स्क्रीन पर एक वीडियो देखा, एक फ़ोटो देखा डॉक्टर मोमिता का, जो अभी मैंने चलाया था। तो वो मैंने सिर्फ इसलिए चलाया था, मुझे उस टॉपिक पे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, या मैं उस टॉपिक पे उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि सबके दिमाग करा, बहुत गलत करा, सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलनी चाहिए। टॉपिक था वो ये था, मेरी बहनें मुझसे बहुत बार पूछ चुकी हैं कि मैडम कोटेशन क्या होता है, कोटेशन क्या होता है। कोटेशन यही होता है जो मैंने अभी अपनी स्क्रीन पर लगाया। कोटेशन का मतलब ये होता है कि देखो, मैंने स्क्रीन पर लगाया, कोटेशन का मतलब ये होता है कि आज हमारे देश में कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर जैसे लोग सुरक्षित नहीं है। तो ये होती है कोटेशन, इस तरीके का आप कोटेशन, और हमेशा मतलब मेरे कहने का मतलब नहीं है, मेरी चीज़ों को गलत मत लेना, इस तरीके से कहने का मेरा मतलब है, मैडम बहन के साथ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, सभी अपनी अपनी राय रखना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप अपनी लाइव ऑन करते हो, ठीक है, आप अपनी राय रखना चाहते हो, लोगों से बात करना चाहते हो इस बारे में, या अपना कुछ अपनी राय रखना चाहते हो इस बारे में, तो आप इस तरीके की लाइव चला सकते हो। बाकी मैं इससे पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, टॉपिक आप अपनी तरफ से, अपने माइंड से, गूगल से सर्च कर सकते हो। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, टॉपिक एक सास बहू का भी हो सकता है, टॉपिक एक हमारी बहन का भी हो सकता है, टॉपिक हमारा कोई भी हो सकता है। जब आप अपनी लाइव ऑन करते हो तो लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव का मतलब होता है कि आप लोगों से बात करो। आप लोगों से किस बारे में बात करोगे? हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चलना चाहिए, हमारा देश कैसे प्रोग्रेस करेगा, आप इस बारे में भी बात कर सकते हो। आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, आप अपने बारे में बात कर सकते हो आपको अच्छा लगता है, आप हमारे एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हो, या देखो बात करनी है। लाइव का मतलब होता है बात करना, कोटेशन का मतलब होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस बारे में बात करना चाहते हो। चैनल चाहे आपका किसी भी चीज़ का हो, चाहे चैनल आपका गेमिंग का हो, चाहे चैनल आपका कुकिंग का हो, चैनल चाहे आपका किसी भी चीज़ के बारे में, टॉपिक या कोटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को दुख ना पहुँचाए, ठीक है, यूट्यूब का कंटेंट खराब ना हो, कुछ सेंसिटिविटी ना हो, लेकिन इस टॉप मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप बात कर सको। आप अपने बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं तो आप अपने बच्चों की कोटेशन डालिए, आप हमारे देश में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो उसकी कोटेशन डालिए, या आप कुछ ऐसा कोटेशन डालना चाहते हैं जो आपको ये लगता है कि भाई मुझे ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना है, तो आप वो कोटेशन डाल सकते हो। मेरा फ्रेंड्स, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं बहने या सभी लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम कोटेशन डालें तो क्या हम उस पर बात भी करें? देखो ये आपकी मर्जी है, आप किसी को क्या प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को क्या दिखा रहे हो, उस बारे में आपको बोलना तो पड़ेगा। अभी मैंने एक वीडियो चलाया, ठीक है, अगर मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी, बोलूँगी नहीं, तो क्या मतलब मेरा वीडियो चलाने का?
या क्या मतलब मेरा वीडियो दिखाने का। तो जब भी आप कोई कोटेशन लगाते हो, कोई फोटो लगाते हो, कुछ कोटेशन डालते हो, कोई कोट करते हो, तो उस बारे में आप बताइए भी थोड़ा सा कि भाई ये चीज़ है या ये बात है या ऐसा हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना सही है। बाकी आप लोगों को मैं एक बार और बता देती हूँ कि कोटेशन लाइव ऑन कैसे करते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि कोटेशन लाइव लगानी कैसे है, और उसमें व्यूज़ ज़रूर आते हैं, व्यूज़ आएंगे, वॉच टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, आपके 4000 घंटे ज़रूर पूरे होंगे, आप इस तरीके से अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये मेरा इंटरफेस खुलकर आ गया है। ये मैंने प्लस के आइकन पे गई, लाइव ऑन कर दी है मैंने अपनी। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगी, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड कर दूँगी, फिर नेक्स्ट करूँगी, फिर ये पेंसिल के निशान पर जा कर के, और यहाँ से मैं अपनी ऑन करूँगी स्क्रीन कास्ट। देखो ये मैंने स्क्रीन कास्ट ऑन कर दी यहाँ से। इससे क्या होगा, आपका फेस दिखेगा। आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने फेस को, वो मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ से करना है। और आप अपनी एक कोटेशन ले सकते हो, जैसे कि मैं भी एक कोटेशन लूँगी गोइट करने के बाद। यहाँ से स्टार्ट नाउ कर देंगे, और मैं अपने इंटरफेस पे गई, अपनी गैलरी में गई, और वहाँ से मैंने एक कोटेशन ले लिया इस बहन का। ठीक है, ये मैंने अपने बहन का वीडियो लगा दिया है, तो इस बहन का कोटेशन हमने ले लिया है, तो ये मेरी पूरी लाइफ में चलेगा। आप ऊपर कैमरे का निशान आ रहा है वो देखो ऊपर वहाँ पे, तो वहाँ से आप अपना कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो। मैसेज का निशान आ रहा है, वहाँ से आप अपने मैसेजेस ऑन कर देना, ताकि कोई आपसे क्या पूछता है, किस बारे में बात करता है, आपको कॉमेंट्स दिखते रहें, आपको मैसेज दिखते रहें, ताकि आप उन मैसेजेस का, उन कॉमेंट्स का रिप्लाई कर सको। तो इस तरीके से आप अपनी लाइव को ऑन कर सकते हो, चला सकते हो, बात कर सकते हो, ताकि आपकी लाइव अच्छे से चले। तो मैं बैक हो जाती हूँ और इसको यहाँ पे, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड।